नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो गाइस, मेरी आवाज़ आप बहुत दिन बाद सुन रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन गया था, इसलिए दोस्तों वीडियो नहीं आ पा रही थी। सो गाइस, अब से आपको कंटिन्यू वीडियो आएगी। और दोस्तों आते ही साथ सबसे पहले मैं आप लोग को बड़ा सरप्राइज़ दिया हूँ दोस्तों। जितने भी आपके दोस्तों शिफ्ट में पेपर हुए थे 2020 में, जो कि 5, 6, 7 जिन्होंने पेपर दिया होगा दोस्तों, उनको याद होगा कि 5, 6, 7 को जो कि शिफ्ट में पेपर होते दोस्तों, उसका पूरा एनालिसिस, मतलब पूरा का पूरा दोस्तों, हर एक शिफ्ट, मतलब 1, 2, 3, 4 शिफ्ट के दोस्तों, 5 फैब के, 6 फैब के और 7 फैब के, 3 दिन के दोस्तों, इतने मतलब हर जगह से पूछ के, हर जगह से एनालाइज करके आप लोगों को यह दिया गया है दोस्तों। ये आप लोग ने ही बताया कि ये क्वेश्चन मेरे में आया था। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखा दूंगा, और आप लोग भी दोस्तों इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर ये सेंड कर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने, ये देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, ये क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। ये 5 फैब के जितने भी शिफ्ट हैं ना, मैंने दोस्तों मिक्स कर दिया, सभी को मिक्स कर दिया है जितने क्वेश्चन हैं। अभी ये 5 फैब का चल रहा है, उसके बाद 6 और उसके बाद 7 चलेगा, ठीक है। और गाइस, पीडीएफ चाहिए। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ी सी राइटिंग बेकार है, तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, मतलब आप लोग एडजस्ट उसके हिसाब से। वैसे समझ में तो आ रहा है मेरे हिसाब से। तो 2a = 3b और = 4c, ये रेशियो से क्वेश्चन था, रेशियो निकालना था, मतलब दोस्तों इजी आया था बहुत क्वेश्चन। अब जो जिसने 5 फैब का पेपर दिया उसको याद होगा। x² + y² का क्वेश्चन था, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चंस था दोस्तों, उसका आंसर अफ्रीका। रविराज वर्मा इज रिलेटेड टू पेंटर। गाइस, ये सब क्वेश्चंस आप लोग ने ही बताए हैं, और मेरे को भी कुछ याद थे तो मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है। मधुबन किस स्टेट की पेंटिंग है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, मधुबनी का, बिहार की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पटियाला में दोस्तों, पटियाला लिखा है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद 1984 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन। गाइज, यहाँ पर मैंने हिंदी को अपने इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर दी है, तो आप लोग समझ जाइएगा। 100% कंप्यूटर लिटरेट वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका केरला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कौन से ओलंपिक होता है जिसने क्रिकेट अलाउड है, तो गाइज इसका मुझे आंसर पता नहीं था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए अगर किसी को पता हो तो। गूगल में भी सर्च करने की कोशिश की पर नहीं मिला। इंडिया में पहली बार बैलून फाइट किसने दिया था, दोस्तों ये कमेंट में था आपके क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस लिख दिया। रॉकेट बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन था आपका साइंस से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या फिर आपका पता है दोस्तों, थर्ड जो नियम है न्यूटन्स का, ठीक है। विच कंट्री बैंड द करेंसी क्रोशनिया, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन था। सोडियम N2 हैज बॉन्ड, ये क्वेश्चन था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। कौन सा प्लैनेट है जो अपने रोटेशन को सन के रेवोल्यूशन के बाद करता है, गाइस ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। साउंड वेव हैज मैक्सिमम वेव नोन एज स्टील, मतलब साउंड की सबसे ज़्यादा किस में होती है वेव। एवरेज का एक क्वेश्चन आया था, तो गाइस एवरेज से एक क्वेश्चन था आपका, एवरेज से। उसके बाद दोस्तों एक रेशियो से था, रेशियो से एक क्वेश्चन था। उसके बाद गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट से था। और उसके बाद अब प्लांट्स की हरी पत्ती कौन सी रेस को ऑब्जर्व करती है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों असम की कैपिटल का, मतलब कैपिटल से तो आपको पता है दोस्तों, कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो दिसपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गाइस छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल, ये भी एक क्वेश्चन था। मतलब दोस्तों ये अलग अलग शिफ्ट में, मतलब एक या दो अलग अलग शिफ्ट में, पर कैपिटल आ रही थी, ठीक है। और एक ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, x-a, x-b, x-plus, x-b और x-c। सम ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगॉन 180, ठीक है, ये इसका आंसर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला था। मतलब गाइस आप देख सकते हैं, मैथ्स भी एकदम ईजी पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, एकदम जो कि आपको सेकेंडों में हो जाए वैसी मैथ्स पूछते हैं। सम ऑफ पॉलीगॉन 180, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला ए क्यूब, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब न्यूमेरिकल साइंस का था। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था। इंडिया फर्स्ट बैंक नेम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एक नंबर का था ये। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, तो डॉल्फिन। किसी टैंक का वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती, तो गाइस ये 4 ऑप्शन थे और इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ इसरो, मतलब दोस्तों आप फुल फॉर्म से भी आता है, तो गाइस हम लोग, आप सभी को पता है जो कि इंडियन नेवी MR का बैच चला रहा है, तो गाइस आप लोग वो जरूर देखेगा, वो बैच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दोस्तों सिर्फ 5-5 मिनट की वीडियो में आप लोग को दोस्तों एक एक नंबर की दिलवा रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है। आयरन मैन हीरो नेम, गाइस ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, मतलब आपसे पूछ लेगा दोस्तों जो डिज्नी है, मतलब एक क्वेश्चन डिज्नी से भी पूछा था कि डिज्नी के डायरेक्टर कुछ ऐसा था कि डायरेक्टर कौन है ना डिज्नी के, आप लोग देखे होंगे चैनल डिज्नी जिसमें मिकी माउस आता है, वही वाला, उसमें उसमें ये पूछा था कि इसके मतलब डिजाइन वो कौन है।
उसके बाद दोस्तों आयरन मैन का जो आयरन मैन आपने फिल्म देखी थी आयरन मैन की, तो दोस्तों उनके जो हीरो थे उनका नाम पूछा था, तो रॉबर्ट डॉनवे जूनियर जो आपने आयरन मैन में देखा है गाइस। उसके बाद देखिए दोस्तों सॉयल हीट के लिए कैसा है, उड़ीसा ठीक है पुरी में किस भगवान का टेंपल है, तो गाइस आप सभी को पता होगा दोस्तों उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ जी का टेंपल है, ठीक है तो याद रखिएगा। ऑथर ऑफ पोस्ट ऑफिस, देखिए दोस्तों बुक से भी क्वेश्चन आता है गाइस, यहाँ पर सब क्वेश्चन जितने भी, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा भाई मैंने, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ इसमें, 5-6-7 जितना है दोस्तों पूरा पेपर लीक आउट हो गया है, पूरा पेपर मतलब दोस्तों सब जगह से पूछ के आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक बार कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी बॉक्स में एक तो डाला था कि जिनको भी जिन्होंने पेपर दिया वो लोग बता देंगे कि आपके क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में क्या क्या आए थे, और दोस्तों मैंने पूछने की भी कोशिश की है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो गया दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन था। पंचशील समझौता कब हुआ, तो गाइस ये उन सबको याद हो रहा होगा मतलब जो जिन्होंने पेपर दिया था मतलब दोस्तों 2020 में फरवरी में आप लोग याद करिएगा ठंडे का मौसम था दोस्तों, उस समय आप लोग पेपर देने गए थे और आप लोग को ये शिफ्ट में क्वेश्चंस दिखे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चंस है, ऐसा कहीं से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं और मैं जो बताता हूं दोस्तों हर चीज़ जेन्युइन बताता हूं आप सभी को पता है गाइस। तो पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था गाइस। उसके बाद कालीधर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था। भारत में भगवान एक जाति एक मनुष्य एक, यह नारा किसने कहा था, तो गाइस ये नारा श्री नारायण गुरु जी ने कहा था, भारत में भगवान एक जाति एक मनुष्य एक ही किसने कहा था, तो गाइज ये आपका श्री नारायण गुरु ने कहा था। उसके बाद दोस्तों समर ओलंपिक्स 2020 ठीक है, तो ये दोस्तों पोस्टपोन्ड हो चुका था ठीक है, तो ये टोक्यो में होने वाला था। उसके बाद देखिए दोस्तों नवाड इस्टेब्लिशमेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था नवाड का, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 जुलाई 1982, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों BSF इस्टेब्लिशमेंट, तो ये कब हुआ था दोस्तों आप लोग का 1965 1st of December ठीक है, 1st of December 1965 को ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था गाइस। एक एक चीज़ आप लोग को ब्रीफली बता रहा हूँ, तो गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और दोस्तों आप लोग अगर फ्रेंड्स को शेयर करना है तो शेयर ज़रूर कर देंगे दोस्तों, बहुत हेल्प मिलती है अगर आप किसी दूसरे को भी हेल्प करेंगे गाइस ठीक है, और हमें भी दोस्तों थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आप लोग के माध्यम। तो ICDS फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो दोस्तों अभी आप लोग का एग्ज़ाम दोस्तों जो मॉक टेस्ट था वो मैंने रोक के रखा था गाइस, अब अगले संडे से आप लोग का पर डे मॉक टेस्ट चालू कर दिया जाएगा दोस्तों ठीक है, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और इसी समय अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, तो इसी समय मैं आप लोग को लॉग मतलब जो टेस्ट है उससे भी आप लोग का कुछ टाइम पास हो सकता है अगर आप टेस्ट भी लगाएं हर संडे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को संडे को टेस्ट दूं मॉक टेस्ट ठीक है, फ्री में देते हैं गाइस, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, अभी तक हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके हैं बिल्कुल फ्री में गाइस, चाहता तो पेड मतलब एक ऐप बना के पेड भी निकाल सकते थे पर हम लोग ऐसा नहीं किए दोस्तों, सब चीज़ फ्री में है आप लोगों के लिए। योगेश्वर दत्त रिलेटेड टू विच गेम इंडियन रेसलर, तो गाइस योगेश्वर दत्त किससे संबंधित थे, एक रेसलर थे। उसके बाद देखे थे दोस्तों PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये क्वेश्चन था। आनंद मठ के लेखक मतलब दोस्तों ये सब शिफ्ट के क्वेश्चन है जो कि मैंने एक ही साथ लिख दिए, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद चटर्जी, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या थी, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तेलंगाना की राजधानी आपसे पूछी थी हैदराबाद। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर उदयपुर जो कि दोस्तों त्रिपुरा ठीक है। कालचक्र समारोह किस धर्म से संबंधित है, तो कालचक्र जो समारोह था दोस्तों वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। सिकंदर ने भारत में सबसे पहले किस युद्ध किया था, राजा पोरस से किया था गाइस, लिखते चलिएगा साथ में, नहीं तो मैं PDF दे दूंगा उससे भी आप लिख सकते हैं ठीक है, जो मैं PDF दूंगा उसमें आप ये पूरा लिख सकते हैं, नोट करके रख लेना क्योंकि दोस्तों बहुत ही रिफाइन करके आप लोग को एकदम छान के दिया गया है दोस्तों, एकदम छान के ठीक है आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों टेलीविज़न की खोज किसने की थी, JL Baird ठीक है, JL Baird ये दोस्तों क्वेश्चन शिफ्ट में आया था क्योंकि सभी क्वेश्चन शिफ्ट में आए थे तो मुझे भी याद आ रहा है। मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये क्वेश्चन था आपका दोस्तों साइंस में दिया होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफर खान। सांग किस राज्य का नेत्र है, तो गाइज उत्तर भारत का ठीक है, उत्तर भारत का ये नेत्र मतलब नॉर्थ इंडिया का ये नेत्र मतलब दोस्तों UP दिल्ली तरफ होता होगा। भारत की कितनी भाषाएं हैं भारत में, तो गाइज 22 लैंग्वेजेस हैं। शोल्डर किसका मिश्रण है, तो दोस्तों अलॉय ऑफ शोल्डर टिन एंड लेड का शोल्डर एक मिश्रण है। तो सार का एक तो आपको फुल फॉर्म पूछा था गाइस, फुल फॉर्म आप ये देख सकते हैं, फुल फॉर्म जो कि सार का एक फुल फॉर्म था सीजनल एडजस्टेड एनुअल रेट इसका फुल फॉर्म हो जाता है।
कार्बन के अप्रूव दोस्तों हीरा ग्रेफाइट, आपका ये क्वेश्चन था कि कार्बन के एल्केलोट्रॉप्स बता दीजिए, तो गाइस हीरा और ग्रेफाइट। उसके बाद पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं गाइस किस खेल से हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था, तो गाइस ये था आपका टोक्यो। ठीक है, रेडियो का आविष्कार गुलेमो मार्कोनी मार्कोनी जो कि रेडियो का आविष्कार किया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री कहाँ, तो आप सभी को पता यूपी में, तो यूपी वाले भाई ज़रूर देख रहे होंगे, तो कमेंट कीजिएगा कि भाई मैं किस स्टेट से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का फुल फॉर्म पूछा था, नाभिक में क्या पाया जाता, मतलब दोस्तों न्यूक्लियस में क्या पाया जाता था, दोस्तों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपका दोस्तों प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों मणिपुर में ये मनाया जाता है। तो गाइस बिल्कुल मतलब छान के क्वेश्चंस लेकर आए थे दोस्तों आपका 5 फेफ का। भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है, तो गोदावरी को। गाइस बिल्कुल छने क्वेश्चंस थे, जितने 5 तारीख को आए थे उतने दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखे और आप लोग को देने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम 6 तारीख के शिफ्ट, मतलब 6 तारीख की डेट को, और उसके 4 शिफ्ट थे, 1 2 3 4, चारों शिफ्ट को एनालाइज करते हैं और आपके उसको क्वेश्चंस देते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को दोस्तों। सो गाइस ये है आपके 6 फेफ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट जितने भी थे दोस्तों, ये आप लोग के शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका 6 शिफ्ट जो कि 6 फेफ में आया था 2020, अभी तक पेपर नहीं हुआ है इंडियन नेवी एमआर का 2020 से, ठीक है 2021 चल रहा है, देखते हैं दोस्तों इस साल होगा, ज़रूर पेपर होगा दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ एमआर का तो ऑनलाइन होगा। तो चलिए चलते हैं, मेघालय की मूल भाषा हिंदी एंड खासी एंड गारो, ये आप लोग का दोस्तों एक क्वेश्चन था 6 फेफ का। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बरगद है दोस्तों, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया जो कि बेनियन ट्री है दोस्तों। एलोरा का मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान शिव के लिए। गाइस बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो बेसिलस कैल्मेटेड ग्यूरेन, दोस्तों बिल्कुल सही है, ये आपके शिफ्ट में आया था बीसीसी का फुल फॉर्म, मुझे पता है, और जितने क्वेश्चन सभी आए होंगे, आप लोग बोलेंगे कि भाई ने तो एकदम छान के रिफाइन करके हम लोग को सीधे दे दिया है पीडीएफ को, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो गाइस क्योंकि मैं जो चीज़ लेकर आता हूँ वो एकदम जेन्युइन लेकर आता हूँ और प्रूफ के साथ लेकर आता हूँ, सभी को पता है। तो गाइस सबसे देखते हैं आगे, सीरिया की राजधानी दमास्कस, उसके बाद दादर व नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा दोस्तों इसकी कैपिटल है। 2019 प्रो कबड्डी विनर कौन थे दोस्तों, तो बंगाल वॉरियर्स थे दोस्तों, और उसमें देते दोस्तों 4 ऑप्शन थे, मेरे को 4 ऑप्शन भी याद है, बंगाल वॉरियर्स था, एक पुनेरी पलटन था दोस्तों, और एक गोवा की टीम थी उसका भी नाम था दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन थे। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर हो गया। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। आरबीआई गवर्नर प्रेजेंट में कौन थे दोस्तों, शक्तिकांत दास, ये भी क्वेश्चन था। महात्मा गांधी बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, ये क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों, महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने, और इसमें आपके ऑप्शन सचिन तेंदुलकर दोस्तों, राहुल द्रविड़ था और ग्लेन लाला था दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शंस थे आपके इसमें। सीडीएस चीफ दोस्तों, मतलब जो सीडीएस के जो चीफ थे दोस्तों, वो बिपिन रावत थे। ठीक है, अभी भी हैं दोस्तों, रिस्पेक्टेड बिपिन रावत। गाइस चलते हैं नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स से एक क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि फ्रिक्शन और फोर्स से था, मतलब फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब वो एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, मैं भूल चुका हूँ गाइस वो क्वेश्चन। कौन सी धातु मुक्त अवस्था से मिलती है, तो गाइस सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में मतलब फ्रीली अवेलेबल है, कौन कौन सी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। एरोप्लेन की इन्वेंशन किसने किया था दोस्तों, तो राइट ब्रदर्स ने किया था, मतलब राइट बंधु ने। उसके बाद भारत की कुल तटीय क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 7516 किलोमीटर जो कि कोस्टलाइन है इंडिया की, 7516 इज़ द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते नेक्स्ट, रंग लाल रंग की गेंद को अंधेरे में रखने पर कैसी दिखाई देगी, तो वो दोस्तों काली दिखाई देगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था साइंस का, जो कि दोस्तों साइंस के क्वेश्चंस थे, कुछ याद थे तो यहाँ पे लिखे गए हैं। भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया का कौन सा रैंक है, तो दोस्तों 7th रैंक है अकॉर्डिंग टू द लैंड। विटामिन B1 साइंटिफिक नेम थाइमिन, दोस्तों विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम है ये आपसे पूछा था साइंस के सेक्शन से, थाइमिन इसका
नाम है विटामिन B1 का। उसके बाद डांडिया किस राज्य का नेत्र है, तो दोस्तों आप सभी को पता है गुजरात का। गाइड किसकी पुस्तक है, आर के नारायण की। फिलिप्स ह्यूज की मृत्यु कब हुई थी, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, 27 नवंबर 2014 में दोस्तों उनको बॉल लग गई थी गले में शायद तक एक ड्यूस बॉल, तो उनकी दोस्तों डेथ हो गई थी उसके कारण। उसके बाद दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में है दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट जो कि है वेबर है गाइस। उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है, विटामिन ए से, जो कि रतौंधी रोग दोस्तों होता है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन ए का आप लोग साइंटिफिक नाम अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों, पूरे YouTube में अगर ऐसी वीडियो मिल जाएगा जिसमें 5, 6, 7 का एनालिसिस मेरे जैसा करवाया हो, मतलब दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं छूटा है, तो दोस्तों मैं आप लोग जो बोलोगे दोस्तों वो मैं करने के लिए तैयार हूँगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों लिंक भेज दीजिएगा कि ये देख भाई इसमें दिया गया है ऐसा, दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि किसी ने दोस्तों ऐसी वीडियो नहीं बनाई होगी अभी तक कि 5, 6, 7 तीनों के एनालिसिस एक साथ और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इसमें फंसे हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, वो बोल रहे होंगे कि भाई ने तो बिल्कुल पेपर का पेपर आउट कर दिया है, ठीक है। सो गाइस अगर आप को लग रहा है तो गाइस लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल क्वेश्चंस आए थे मेरे पेपर में, मतलब तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं चीज़ जेन्युइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक क्वेश्चन दोस्तों ये था 103 × 107 एक क्वेश्चन था आपका दोस्तों। उसके बाद एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर 900 में बेचता है, तो 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा। तो गाइस ये एक तो सिंपल क्वेश्चन था मैथ का, ठीक है, आप लोगों को दोस्तों ये प्रॉफिट बताना था। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, साइन ए इसक्वल टू 5/13, तो कॉस ए, ये भी दोस्तों सिंपल है, 9000 10000 मतलब CI से क्वेश्चन था, 9000 × 10000 × 2 कर देते तो आपका आंसर आ जाता। उसके बाद दोस्तों ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इंडियन नेवी MR में, बिल्कुल हाई लेवल नहीं जाता दोस्तों, अगर आपने 10th बेसिक पढ़ी होगी तो वो आपको बन जाएगी। ABC 2:3:4 आपको AB/BC/CE बताना था। एरिया ऑफ रोम्बस पूछा था आपसे दोस्तों, एक क्वेश्चन मतलब आपसे ये भी पूछता दोस्तों एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जैसे आपने देखा था पाँच वाली शिफ्ट में, तो उसमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा था, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रोम्बस पूछा। तो BHU की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय, ये GK का टॉपिक मतलब GK का सेक्शन से। 2018 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, फ्रांस ने दोस्तों 2018 फीफा वर्ल्ड कप जीता था, और उसमें दोस्तों 4 ऑप्शन से ब्राज़ील था, स्पेन था, फ्रांस था और क्रोशिया था, ये 4 ऑप्शन दोस्तों मुझे याद है अभी तक, ठीक है, जो कि 6 फेब में हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होंगे, ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप अब दोस्तों आपके इंडिया में कराए जाएंगे, ठीक है। बेल्जियम मुद्रा, बेल्जियम की जो करेंसी है वो क्या है, तो दोस्तों यूरो है बेल्जियम की करेंसी। वाइट लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो गाइस ये है इटली का, ठीक है, इटली का है राष्ट्रीय चिन्ह। गाइस पैटा का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, पैटा का फुल फॉर्म, और दोस्तों ये भी पूछा था एक क्वेश्चन कि मतलब दोस्तों ये तो मेरे शिफ्ट में पूछा था कि पैटा का जो 2018 का अवार्ड पैटा वो किसको मिला था, दोस्तों वो सोनम कपूर को मिला था उस समय। और गाइस एक आपसे फुल फॉर्म पूछा था पैटा फुल फॉर्म, ये दोस्तों अगली शिफ्ट में पूछा था शायद तक, पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल, ठीक है। नेशनल एंथम की अवधि 52 सेकेंड। कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो शंभू महाराज, और कौन है दोस्तों बीरेंद्र महाराज। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फीमर हड्डी का बिरजू महाराज है दोस्तों, बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये आपकी जांग में पाई जाती है, ठीक है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइज ये आपका 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला ऑस्कर पुरस्कार कहाँ मिला था, तो गाइज किसको मिला था दोस्तों, एम एल जॉनसन को पहला ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी पूछा था, ठीक है। बिहार का CM दोस्तों पूछा था आपसे नीतीश कुमार। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न कब मिला था, तो गाइज ये आपको 2013 में मतलब मिला था सचिन तेंदुलकर को। नवाड
का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो गाइस हॉकी वर्ल्ड कप पूछा है आपसे 2018 का, और गाइस मैं बता दूं 6 तारीख का पेपर था उसमें पूरा 2018 का ही पूछा था, और उस समय 2020 हो रहा था। तो बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष घई कौन है? तो गाइस इंडियन फिल्म डायरेक्टर के एंड प्रोड्यूसर हैं सुभाष घई, ठीक है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गाइस माफ़ करना मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, तो मैंने जल्दी जल्दी में भी लिखा गाइस, तो मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पैसे समझ में तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो गाइस बिहार में है, जो भी बिहार से है कमेंट कीजिएगा। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियन रियाल है। असम की राजधानी डिसपुर है। NH4 व NH7 की लंबाई कितनी है? तो गाइस NH4 क्या है 230 किलोमीटर और NH7 क्या है 3806 किलोमीटर, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो भाई टाइटन दोस्तों जो कि शनि का है, ठीक है, सैटर्न का। उसके बाद दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? गाइस ये आपका भगत सिंह ने दिया था। तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब दोस्तों ये सब शिफ्ट के थे, 4 शिफ्ट होते हैं जो उनके सबके शिफ्ट के ही क्वेश्चन थे। तो एक ट्रिग्नोमेट्री से, एक सिंपल इंटरेस्ट से, एक टाइम एंड वर्क से, और 2 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? केरला में आपका स्थित है सबरीमाला। ऑथर ऑफ ऑक्सीडेंटल, दोस्तों ये मुझे नहीं पता है, बताइए कमेंट में, ठीक है। 2019 बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप विनर साइना नेहवाल, दोस्तों इसका राइट आंसर साइना नेहवाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर साइना नेहवाल। गाइस ये देखिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बोल रहे हैं दोस्तों 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होंगे? तो दोस्तों देखिए ये रिपीट हो चुका, उसी शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया में विश्व की पहली प्रधानमंत्री भरत भंडारना के दोस्तों आप सभी जानते हैं श्रीलंका की थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सदिश राशि है वेग और विस्थापन। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शपथ ग्रहण की थी 5 अगस्त 2017 में। विक्स का फुल फॉर्म पूछा था आप सब, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव, तो दोस्तों दीव इसकी कैपिटल हो जाती है। 2019 आशीषी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था, और दोस्तों कौन जीता था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंग्लैंड ही जीता था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड नोटो बैकडो दोस्तों 31st में, और दोस्तों शुद्ध सोना मतलब कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बचेंद्री पाल, ठीक है। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी गाइस, प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी गाइस। साइन एक्स इक्वल टू a² - a² + फॉर फाइंड आपको करना था साइन एक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद झारखंड की झारखंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू दोस्तों झारखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। और अल्वानिया की मुद्रा पूछी थी दोस्तों, अल्वानिया लेक इसकी कैपिटल हो जाएगी। एड्स का फुल फॉर्म दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एड्स का क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा था, और 1 दिसंबर दोस्तों इसका डे पूछा था। GST का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई को दोस्तों ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों कब का है, ये आप लोग का 6 तारीख का मैंने भी करा दिया। अब आते हैं दोस्तों 7 तारीख पे, ठीक है। 7 तारीख पे आते हैं गाइस, 7 तारीख पे आते हैं और 7 तारीख का एनालिसिस करते हैं गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करते चलिएगा दोस्तों, है ना। मैं चलिए बहुत मेहनत लगी दोस्तों, एक एक चीज़ मतलब दोस्तों कम से कम मुझे 3 हफ्ते इसको पूरा एनालिसिस करने में दोस्तों कि ये सही है कि नहीं, तब जाके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। सो दोस्तों एकदम कंटेंट जो है वो आप लोग को देख सकते हैं कैसा दिया जाता है, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस ये आपका 7 फेब का क्वेश्चन है गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तेज बोलने की कोशिश करूँगा इसमें वीडियो में, और जल्दी कोशिश करूँगा दोस्तों कि ख़त्म हो जाए वीडियो, और आप लोग को PDF देने की ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। गला भी दोस्तों थोड़ा सा जाम हो चुका है बोलते बोलते। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार भुटानी को दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा का CEO चुना गया था। जॉकी कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। IMF का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों मैं आप लोग अब तेज कराऊंगा दोस्तों, कम से कम 4 मिनट में आप लोग को इसको उड़ा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी 24 की है, इसके बाद देखते हैं 4 मिनट में मैं ख़त्म करूंगा कोशिश दोस्तों। IMF का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। GT रोड किसने बनवाई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी दोस्तों, ठीक है।
नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत मतलब गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों ये आपका रिहंद डैम पर बना हुआ है, ठीक है। नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1901 में नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। युद्ध व शांति उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों वॉर एंड पीस, तो लियो टॉल्स्टॉय जो कि दोस्तों वॉर एंड पीस के लेखक थे। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CO3 दोस्तों चूना पत्थर का जो कि रासायनिक नाम है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सिक्किम राज्य की भाषा क्या है? तो नेपाली दोस्तों सिक्किम राज्य की राज्य भाषा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो गाइस रियाल जो कि सऊदी अरब की मुद्रा है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का मेजबान देश कौन है? तो दोस्तों रशिया, जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में हुआ था गाइस। फ्रांस जीत गया था क्रोशिया को हरा कर, ठीक है। पॉल पोगबा ने दोस्तों शायद गोल मारा था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो गाइस दोस्तों ये बनी थी आपको 1911 में घोषणा और 1912 में ये बनकर तैयार हो गई थी। अशोक चक्र में तीलों की संख्या कितनी है? तो गाइस 24 अशोक चक्र में तीलों की संख्या है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है? दोस्तों प्रेसिडेंट। रैम का फुल फॉर्म पूछा था, रैंडम एसेस मेमोरी। दोस्तों आँख का कौन सा भाग दान किया जाता? तो गाइस कॉर्निया। माइकल फिलिप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्विमिंग, माइकल फिलिप जो कि स्विमिंग खेल से संबंधित है। संसार का सबसे लंबा बांध कौन सा? तो दोस्तों थ्री गॉर्जियस डैम जो कि सबसे लंबा डैम है। तो गाइस उसके बाद देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? सक संबंध पर आधारित है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। स्पेन का बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। ईरान की मुद्रा क्या है? दोस्तों ईरानियन रियाल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों तो ये फिल्वली क्यून है। विटामिन ई का आप लोग बताइएगा दोस्तों किसमें, कमेंट बॉक्स में। मिजोरम कैपिटल क्या है? दोस्तों आइजॉल है दोस्तों मिजोरम की कैपिटल। इंडोनेशिया की करेंसी दोस्तों क्या है आप सभी को पता है? रुपया। IPCC फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही पूछ लेते हैं फुल फॉर्म की दोस्तों वो जो पता ही नहीं होता है। अब आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा दोस्तों कि तुम आप CD का फुल फॉर्म बताए या फिर CPU का फुल फॉर्म बताए, ये नहीं पूछता है। वहाँ पर वो चीज़ पूछती है जो आप लोगों को ना पता हो, ठीक है। फुल फॉर्म में भारत व चीन के मध्य रेलवे मतलब रेखा कौन सी है? दोस्तों तो मैकमोहन रेखा है, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो कि दोस्तों आपकी इंडिया और चीन के बीच में। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जुरंड का फुटबॉल से संबंधित है। बर्नौली का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। मिजोरम कैपिटल एजॉल फुल फॉर्म ऑफ ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सबसे ऊंचा झरना दोस्तों जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में है और इसको दोस्तों गोरसप्पा भी नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म ऑफ BCCI बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशापूर्ण देवी दोस्तों प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। विश्व का सबसे बड़ा मठ कहां पर है? दोस्तों पोताल मठ, ठीक है। और इंडिया में दोस्तों त्यांग मठ है, ठीक है। विश्व का दोस्तों पोताल मठ है। उसके बाद दोस्तों ईडन गार्डन कहां पर है? ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये आप लोग का बनारस में दिया था सबसे पहला भाषण। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। दोस्तों कांडला बंदर का कहाँ है? नया नाम दोस्तों दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। कैंडी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है कैंडी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आंद्रे लसल किस खेल से संबंधित है? तो आंद्रे लसल दोस्तों आप लोग का क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। सबसे छोटा पंछी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चित्तौड़गढ़ किस से संबंधित है? दोस्तों महाराणा प्रताप से। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। आईना अकबर की लेखक दोस्तों अबू फजल किसे देश बंधु कहा जाता है? दोस्तों चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। क्या किस देश की मुद्रा? तो दोस्तों ये आपकी म्यांमार की है। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों ये आपकी चाइनीज बोली जाती है, ठीक है। भारत में चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? दोस्तों तो ये आपका UP में होती है क्योंकि वहाँ शुगर इंडस्ट्री भी ज़्यादा है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि टेमू मोसिफ, ठीक है। और फुल फॉर्म ऑफ GIF पूछा था दोस्तों ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। दोस्तों ये आप लोग का 7 फेब का भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों पूरी जी जान लगा रहा आपको दोस्तों ये वीडियो दे दिया हूँ और एकदम छान के दिया हूँ दोस्तों, एकदम छान के आप लोग को दिया गया है वीडियो को। गाइस माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा सा लंबा, क्योंकि दोस्तों मैं इसको कम तो कर नहीं सकता था। जितना भी कोशिश करा मैंने कम करने की दोस्तों उतना मेरे से हो पाया। फिर भी दोस्तों आधे घंटे में मैंने आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो 3-3 घंटे की वीडियो बनाता है आदमी, मैंने सिर्फ आपका आधे घंटे में आप लोग को
पाँच छः सात की जितने शिफ्ट थे, मतलब दोस्तों चार 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 12 शिफ्ट थे दोस्तों, तीन दिन के पूरे करा दिया, ठीक है। एक दिन में चार शिफ्ट थे दोस्तों, 12 शिफ्ट जो कि आपके पूरे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 12 शिफ्ट के। तो गाइस कैसा लगा वीडियो बताइएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आते दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि कोई भी हमारा लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा गाइस। तो मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो जो है अब आपको रेगुलर मिल जाएगी। और गाइस मैंने अभी दोस्तों INS चिल्का के ऑफिस से दोस्तों बात भी किया था, तो दोस्तों उसकी रिकॉर्डिंग को भी मैं आप लोगों को सुना दूंगा एक वीडियो बनाकर, ठीक है दोस्तों, जो मेरी बात हुई थी INS चिल्का के ऑफिस में, क्योंकि दोस्तों जल्दी अटेंड नहीं करते हैं और कुछ, और दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं दोस्तों चिल्का में हैं, ठीक है, पहचान के, तो वो लोग भी बता देते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों मोबाइल तो मिला नहीं है, पर वो लोग छोटा सा एक मोबाइल लिए रहते, तो उससे मतलब छोटा मोबाइल रख लेते हैं धीरे से छुपा कर, तो उससे वो बता देते हैं, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, बहुत दिनों बाद भी ये वीडियो मैंने बनाया था गाइस, तो देखते हैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत दोस्तों।